नमस्कार, मैं फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ एमिट्स की पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आज पेश हूँ चक्रवाती तूफान यास की खबर के साथ। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान यास के अगले 24 घंटे में बेहद गंभीर तूफान बनने की संभावना है। तूफान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार को देश के कई राज्यों में तूफान के कारण भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से की गई है। उम्मीद की जा रही है कि यास बुधवार को बंगाल और उड़ीसा के तट पर पहुंचेगा। तूफान को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों की तरफ ले जाया जा रहा है। कोलकाता बंदरगाह चक्रवात यास को देखते हुए 25 मई से जहाजों की आवाजाही को निलंबित करेगा। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन विनीत कुमार ने कहा कि एहतियाती उपाय के रूप में यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि मंगलवार सुबह से जहाजों का प्रवेश रोक दिया जाएगा, जबकि दोपहर 2 बजे से कार्गो के रख रखाव के सभी कामों पर रोक लगा दी जाएगी। श्रमिकों को सुरक्षा की दृष्टि से दूसरी जगह पर स्थानांतरित भी कर दिया जाएगा। बंदरगाह की सड़कों पर माल ढोने वाले वाहनों की आवाजाही शाम 6 बजे से रोक दी जाएगी। चक्रवात के बुधवार के आसपास पश्चिम बंगाल की सीमा के साथ उत्तरी उड़ीसा में बालेश्वर के पास पहुंचने की आशंका जताई गई है। उड़ीसा सरकार ने चक्रवाती तूफान यास के दस्तक देने के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे बालासोर जिले के लिए बचाव कर्मियों की एक बड़ी टुकड़ी को रवाना किया है। विशेष राहत आयुक्त SRC PK जेना ने संवाददाताओं को बताया कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के आधार पर उड़ीसा सरकार राज्य में चक्रवात के आगमन के मद्देनजर सभी कदम उठा रही है। कैमरा पर्सन विनीत के साथ मैं किरण, 3 मिनट्स लखनऊ।